जानकारी की ओर यहां पर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के शोपिया से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। तो बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच, सुरक्षा बलों ने एक से दो आतंकवादियों को घेरा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, और इस बीच जानकारी यहां पर ये मिल रही है जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी सुरक्षा बलों को, जिसके बाद सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। और जानकारी ये कि एक से दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। ये बड़ी यहां पर कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी। और अमित शर्मा हमारे साथ इस बीच जम्मू कश्मीर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, शोपियां इलाके में ये आतंकवादी छुपे हुए थे, इसकी खबर जो है सुरक्षा बलों को मिली थी। ये दो से तीन आतंकवादी बताए जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के ये आतंकवादी हैं। तो जैसे ही इनकी ये सूचना मिली तो सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया, और घेरने के बाद जहाँ ये आतंकवादी छुपे थे वहां पर जब इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया तो वहां से आतंकवादियों की तरफ से गोलाबारी की गई। तो इस गोलाबारी के दौरान सुरक्षा बलों ने भी उसका जो है जवाब दिया, और अभी भी इस इलाके में जो है गोलाबारी चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल तीनों के तीन जो आतंकवादी हैं यहाँ इलाके में छुपे हुए हैं, और अभी कोई भी आतंकी मारा नहीं गया है। लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो की गई है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आतंकी यहाँ से बच के नहीं निकल पाएगी, और जल्द ही इनका खात्मा किया जाएगा। जी अमित, जैसा कि आपने बताया अभी गोलीबारी जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, यानी जाहिर तौर पर पूरी तरीके से असलहों के साथ ये आतंकवादी यहाँ पर किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। देखिए बिल्कुल, ये जो आतंकवादी हैं इनके इनके पास जो है भारी मात्रा में असला बारूद इनके पास बरामद है, और जो ये आतंकवादी आए हैं ये कहीं ना कहीं किसी बड़ी साजिश के तहत यहाँ पे थे, क्योंकि छुपैया इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार इनकी हलचल जो है वो देखी जा रही थी, और पहले भी इसी इलाके में जो है आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ये जो आतंकवादी आए हैं ये किसी बड़ी साजिश को यहाँ पे अंजाम देने की फिराक में थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी भी आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी, हालांकि अभी कोई आतंकी जो है वो मारा नहीं गया है, लेकिन फिलहाल वो बच भी नहीं पाएंगे क्योंकि सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से घेर लिया है और दोनों ही तरफ से गोलीबारी हो रही है।